सभी को नमस्कार। बालाजी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की इससे पहले मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप वो वीडियो देखिएगा। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है कि कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगी। देखिए, मेरा कंसेप्ट सिंपल सा है कि पहले मैं बात करूँगा बेसिक से, फिर जो फ्रैक्शन वाला जो तरीका है, जो मेरा तरीका है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं उस तरीके के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बेसिक है उस बेसिक से। देखिए, प्रश्न की लैंग्वेज को समझते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अर्थमेटिक के अंदर आपने सबसे पहले प्रश्न की लैंग्वेज को समझना है। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कितने वर्षों में कितने आ गया, यानी कि हमें ज्ञात क्या करना है, टाइम ज्ञात करना है। कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, और आर दे दी हमें कितनी, 10% दे रखी है, अपने से 3 गुना हो जाएगी। अब देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कोई राशि कितनी हो जाएगी, तो वो क्या बोल रहा है, मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है। मिश्र धन क्या बोल रहा है, वो 3 गुना। अब देखिए, मैं सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मेरे को मूलधन मिश्र धन अगर पता चल जाए तो मेरे को ब्याज भी पता चल जाएगा। वो कह रहे कि कोई राशि 3 गुना हो जाएगी। मैंने मान लिया कि वो राशि थी 1, राशि क्या थी 1, वो 3 गुना हो जाएगी, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज की, अब मैं बात करूं साधारण ब्याज की, 1 रुपये की राशि 3 रुपये होगी, तो साधारण ब्याज कितना मिला, 2, तो साधारण ब्याज कितना आया, 2। अब देखिए, जो मुझे ज्ञात करना है वो मैं बेसिक अपना सूत्र लगाऊंगा और उसके कर दूंगा। मेरे को पता है कि साधारण ब्याज अगर मुझे ज्ञात करना होता तब मैं क्या लगाता, PRT/100। पी होता है मूलधन, आर होता है दर, टी होता है समय, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो जो मेरे पास है वो मैं रख देता हूँ। SI मेरा कितना है, 2, मूलधन कितना है 1, दर 10%, और टी कितना है, टी मुझे ज्ञात करना है। अब देखिए, जो कट रहा है उसे मैं काट देता हूँ। इस 0 से मैंने ये काट दिया, 1 को 1 से गुना किया 1, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये उधर जाएगा, यहाँ पे टी का टी लिख देता हूँ मैं, तो टी के साथ गुणा करूँगा टी हो जाएगा, 10 उधर चल जाएगा, तो टी बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। इतनी बात समझ आई, कुछ नहीं किया मैंने, जो मेरे पास चीज़ें थी, जो मेरे पास वैल्यू थी, वो वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में रख दी, ठीक है। उसके बाद सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन की है। अब देखिए, इस प्रश्न को मैं कैसे करूँगा, देखिए हम फ्रैक्शन पे बात करते हैं कि हमें दर दी गई है 10%। 10% को जब मैं फ्रैक्शन बनाऊँगा तो वो बन जाएगा 1/10, क्योंकि प्रतिशत डालूंगा बटे में 100, 10/100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, तो 1/10। नीचे वाला मैंने आपको बताया था होता है मूलधन, ऊपर वाला होता है ब्याज, ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज, ठीक है। अब मेरे को मूलधन मिल गया, एक मूलधन कितना है 10 रुपये, 10, और ब्याज कितना है, 1, कितने साल का, 1 साल का। अब प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि साधारण ब्याज की 10% की दर से अपने से 3 गुना, यानी कि मूलधन कितना है मेरा 10, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 30, 3 गुना कितना हो जाएगा, 30। अब 10 को 30 बनाने के लिए कितना ब्याज चाहिए, 20। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। अब देखिए, मुझे 1 साल का कितना साधारण ब्याज मिल रहा था, 1, मुझे 1 साल का साधारण ब्याज मिल रहा था 1, तो मुझे बताओ अगर हर साल मुझे 1 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है, तो ये साधारण ब्याज 20 रुपये कितने साल में होगा, 20 साल में होगा, नहीं होगा, बात समझ आ रही है भाई जी। सिंपल सी बात है कि 1 रुपया साधारण ब्याज मिल रहा है 1 साल में, मेरे पास अब साधारण ब्याज कितना है, 20, तो 1 को 20 बनाने के लिए 20 से गुना, इधर 20 से गुना किया तो इधर भी हम क्या करेंगे, 20 से गुना करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इस गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, थोड़ा सा भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, तो यह आपको सिंपल दिख रहा है कि 1 साल में 1 रुपया मिल रहा है, तो 20 साल में तो 20 रुपये मिलेंगे, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 20 वर्ष। और हमसे क्या पूछ रहा था, ये तो पूछ रहा था कि कितने वर्ष में कोई राशि 10% की दर से 3 गुना हो जाएगी, तो वो 20 वर्ष के अंदर 3 गुना हो जाएगी। अब आगे जो भी प्रश्न करूंगा मैं वो इसी तरीके से करूंगा। एक ऐसा ही प्रश्न और देखिए, देखिए प्रश्न क्या है कि कितने वर्षों में कोई राशि 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 2 गुना हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मुझे पता है कि मैंने फ्रैक्शन बनाने के लिए दर से खेलना है, दर कितनी है 6 से 1/4, तो 6 से 1/4 को जब मैं फ्रैक्शन में बदलूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को 6 से गुणा किया 24, 24 में 1 जोड़ा 25, 25/100,
इंटू चार। देखिए ये 100 कहाँ से आया, प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 आ गया और ये 4 था। अब इसे मैंने काट दिया, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 को 4 से गुणा किया तो आ गया 1/16। तो मैं ये 1/16 लिख सकता हूँ। नीचे वाला क्या है, मूलधन, ऊपर वाला एक साल का ब्याज। अभी मैंने बताया कि ऊपर वाला क्या है, एक साल का ब्याज। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं कि कितने समय में वो दो गुना हो जाएगी। मेरा मूलधन कितना है, 16, मेरा मूलधन 16 है, 16 से कितना बनाना है मुझे, 32। तो देखिए 16 से 32 बनाने के लिए मेरे को मूलधन कितना, सॉरी ब्याज कितना चाहिए, 16 रुपये ब्याज चाहिए। अब ये 16 रुपये ब्याज कब आएगा, ये प्रश्न है। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि 16 रुपये पे एक साल का ब्याज कितना है, 1। जब एक साल का ब्याज है 1 तो 16 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 16 रुपये तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, एक वर्ष में ब्याज मिल रहा है 1, तो मेरे को कितने चाहिए, 16। तो 1 को 16 बनाने के लिए मेरे को 16 से गुणा, जब इधर 16 से गुणा तो इधर भी तो 16 से गुणा करूँगा तो 16 वर्ष आ जाएगा। बात समझ आ रही है भाई। आपने ये पता लगा लिया कि एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, उसके बाद तो कुछ नहीं है, सिर्फ गेम इतना ही है कि एक साल का ब्याज का पता लगाओ, ठीक है। 16 रुपये अपने से दोगुना यानी 32 रुपये, तो 16 को 32 बनाने के लिए 16 रुपये मुझे ब्याज के रूप में चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे पता चलेगा कि एक साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो उसके अगले साल भी 1 रुपया, उसके अगले साल भी 1 रुपया। इस तरीके से करते करते 16 साल में मुझे 16 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो ये 16 से 32 रुपये होने में कितना समय लेगी, 32 साल लेगी, और यही हम सॉरी 16 साल ले जाएगी, और 16 वर्ष क्या है हमारा आंसर है, क्योंकि उसने पूछा है कि कितने समय में दो गुना हो जाएगी। तो बात समझाई कि एक साल में अगर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 16 साल में 16 रुपये ब्याज मिलेगा, तो ये तो उसने पूछा था, चीज़ क्लियर है। अगला प्रश्न और देखिए इसी तरह का, देखिए क्या प्रश्न है कि कितने वर्ष में कोई राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 4 गुना हो जाएगी, अपने से 4 गुना। अब देखिए कि दर कितनी है, मेरे को तो दर से मतलब है, दर है 20%, और 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रतिशत हटाऊंगा तो बटे में 100 आ जाएगा, 20 के पार से काट दूंगा, 20 एकम 20 और 20 5 100। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला एक साल का ब्याज। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने समय में ये 4 गुना हो जाएगी, राशि कितनी है 5 रुपये, 5 को 4 गुना बनाने के लिए 5 × 4 यानी कि 20 रुपये मुझे बनाना है। अब देखिए 5 को 20 रुपये बनाने के लिए मेरे को कितने रुपये ब्याज के चाहिए, 15 रुपये चाहिए। अब मेरे को ये देखना है कि ये 15 रुपये मुझे कितने साल में मिलेंगे। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि आपको एक साल में मिल रहा है 1 रुपया, एक साल में कितना मिल रहा है, एक साल में मिल रहा है 1 रुपये ब्याज का, तो 15 रुपये कितने सालों में मिलेंगे, 15 साल में तो मिलेंगे। बात समझ में आई, 15 साल या मैं 15 वर्ष बोल दूँ तो वो इसका उत्तर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ उस प्रश्न को, देखिए देखिए क्या प्रश्न है कि किस साधारण ब्याज की दर से, या कि मेरे को पता चल गया कि इस प्रश्न में मुझे ज्ञात क्या करना है, दर ज्ञात करना है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बेसिक से करूँगा कि मेरे को पता है कि यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, मेरे को दर ज्ञात करनी है, और मूलधन 20 वर्ष में टाइम कितना है 20 वर्ष तिगुना हो जाएगा, तो पी और ए और ऐसा ये 3 चीज़ें रहेगी। अब देखिए तिगुना हो जाएगा, मैंने मान लिया कि मूलधन है 1, तो तिगुना यानी 1/3, अब 1 मूलधन 3 रुपये हो गया, तो ये क्या है, हो जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कोई राशि हो जाएगी या हो जाता है तो वो क्या होता है, वो होता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और ये होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और जो इनका अंतर है वो क्या होता है, ये आएगा SI। आई बात समझ में। तो मूलधन कितना मैंने माना, 1 मूलधन 3 गुना हो जाएगा, तो 3 क्या आ गया इसका, 3 आ गया मिश्रधन, और 2 क्या आ गया इसका साधारण ब्याज। अब मैंने कुछ नहीं करना, सिंपल इसको जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके अंदर रख दूंगा। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, SI ज्ञात करने का बेसिक फॉर्मूला होता है PRT/100। तो SI कितना है 2, P कितना है 1, R मुझे ज्ञात करनी है, R का मैं R लिख देता हूँ, T कितना है 20, और बटे में लिख दिया मैंने 100। अब देखिए इसको मैंने काट दिया, 20 एकम 20, 20 5 100, 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को R से गुणा किया तो क्या आया R, और बट्टे में 5, इधर था 2,
आर मुझे ज्ञात करना था, अब यहाँ पे ये बटे वाला उधर जाएगा तो उधर गुणा में हो जाएगा, तो आर बराबर 2 × 5 बराबर 10% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बात समझ आई? ये था बेसिक। अब जो तरीका मैं यूज करता हूँ वो देखिए, देखिए मेरे को क्या बोल रहा है कि 20 वर्ष में कोई धन तिगुना हो जाता है। मैंने माना कि धन था 1, तिगुना हो गया तो यानी कि वो 3 हो गया। कितना रुपया ब्याज आया मेरे को? 2 रुपये मेरे को ब्याज मिले, या 2 यूनिट मान लेता हूँ कि 2 यूनिट मुझे एज ए इंटरेस्ट एज ए ब्याज मुझे मिला। अब ये जो 2 रुपये जो ब्याज के रूप में मिले हैं ये कितने टाइम में मिले हैं मेरे को? ये मिले हैं 20 वर्ष में। 20 वर्ष में क्या मिला मेरे को? 2 यूनिट ब्याज के रूप में मिला है। अब देखिए कि मेरे को 20 वर्ष में 2 यूनिट ब्याज मिला है, तो मेरे को 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 2/20, इसको मैंने काटा 2 × 1 = 2 और 2 × 20, वो 1/10 बराबर क्या होता है? 10% ही तो होता है। 1/10 में कैसे बदला? ये देखिएगा कि 1/10% लगाना है तो × 100। अब जब मैंने इस 0 से इस 0 को काट दिया, 10 को 1 से गुना कर दिया तो 10% आ जाएगा। बात समझ आई? क्या किया? दोबारा देखिए कि मेरे को बोल रहा है कि कोई धन तिगुना हो जाता है। मैंने माना कि धन था 1, कितना हो गया? 3। अब 1 से 3 बनने के लिए 2 क्या है? 2 मेरे को ब्याज के रूप में चाहिए। अब ये 2 ब्याज मेरे को कितने समय में मिला है? 20 वर्ष में। अब देखिए कि मेरे को 20 वर्ष में 2 ब्याज मिला है, तो मेरे को 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है? 1 वर्ष में मैं करूंगा तो 20 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2/20 को मैंने जब काटा तो 1/10 आ गया, और 1/10 किसके बराबर होता है? 10% के। एक ऐसा एक प्रश्न और देखिए, देखिए क्या प्रश्न है, सेम वही प्रश्न थोड़ा सा चेंज किया है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, तो दूसरे वाला तरीका मैं यूज करूंगा। देखिए मैंने माना जो मूलधन है वो है 1, 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना होने कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। अब 1 से 2 बनाने के लिए ब्याज कितना चाहिए मेरे को? 1 ब्याज चाहिए। अब ये 1 ब्याज कितने समय मिल रहा है? देखिए प्रश्न खुद कह रहा है कि 20 वर्ष में ये 2 गुना हो रहा है, तो ये 1 ब्याज कितने टाइम में आया? 20 वर्ष में। जब मैं 20 वर्ष में मेरे पास 20 वर्ष में ब्याज आ रहा है 1, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना आएगा? तो ये 1/20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 1/20 बराबर क्या होता है? 1/20 बराबर होता है 5%। अब ये कैसे किया? ये देखिए कि 1/20 को जब मैं प्रतिशत में बदलूंगा तो गुना 100 करूंगा, 20 × 1 = 20 और 20 × 5 = 100, 5 को 1 से गुना किया तो 5% आ जाएगा। समझ में आया होगा? एक ऐसा ही प्रश्न और देखिए, देखिए क्या प्रश्न है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 30 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। देखिए 30 वर्ष में 4 गुना, मैंने माना कि मूलधन कितना था? 1, 4 गुना यानी 1 से कितना हो गया? 4। अब 1 से 4 यानी कितने रुपये ब्याज आया? 3 रुपये ब्याज। कितने सालों में? 30 सालों में, यानी कि 30 साल में कितना ब्याज आया? 3। देखिए कि 30 वर्ष के अंदर मुझे 3 यूनिट ब्याज के रूप में मिली है, 30 वर्ष में ब्याज मिला है 3, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा? 3/30, इसे जब काटूंगा तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 अभी मैंने बताया कितने के बराबर होता है? 10% के। बात समझ आई? मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैंने आपको कराए वो आपको समझ में आए होंगे। आप इस टाइप के प्रश्न खुद भी कीजिएगा जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कुछ नहीं करना, सिंपल आपने वैल्यू चेंज करनी है और प्रश्न करने हैं। तो थैंक यू गाइज, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।